मणिपुर में हिंसा से धधकिया कभी शांत भी नहीं हुई थी कि अब हरियाणा के जनपद नूह में हिंसा ने तनाव बढ़ा दिया है। पूरे इलाके में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और इंटरनेट सेवा बंद करके कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि मणिपुर जैसी स्थिति न बन पाए। लेकिन नूह में हुई हिंसा की लपटें यूपी की राजनीति गलियारों तक पहुंच चुकी है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। इस बार फिर उन्होंने हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी सरकार की नाकामी करार दिया और कहा कि मणिपुर के बाद एक बार फिर से हरियाणा में भी डबल इंजन फेल हो गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि हरियाणा की हिंसा मणिपुर के बाद डबल इंजन सरकार की नाकामी का एक और उदाहरण है। सरकार के रूप में भाजपा का डबल इंजन फेल हो गया है। अखिलेश यादव ने नूह में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार के रूप में अब बीजेपी का डबल इंजन फेल हो गया है। पहले मणिपुर में हिंसा हुई और अब हरियाणा की हिंसा ये बता रही है कि सरकार के तौर पर बीजेपी नाकाम हो गई है। बता दें कि हरियाणा के नूह में बीते दिन धार्मिक यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच जबरदस्त हिंसा फैल गई। ये यात्रा जब नूह से गुजर रही थी तो इस पर पथराव किया गया, जिसके बाद दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त पत्थरबाजी हुई और उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस दौरान उनके हाथ जो भी गाड़ी पड़ी उसे तोड़ दिया गया या फिर आग लगा दी गई। आग की लपटें दूर दूर तक देखी जा सकती थी। आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया। इस हिंसा में अब तक दो होमगार्ड की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।